नमस्कार, मैं डॉक्टर कपिल कुमार कुशवाहा आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी फॉरेस्ट में स्वागत करता हूँ। आज हम पढ़ेंगे अनदर स्पेशल पर्पस डायोड, दैट इज लाइट इमिटिंग डायोड, प्रकाश उत्सर्जक डायोड। ठीक है, इस पर्टिकुलर डायोड में, ठीक है, ये जो डायोड है, ये एक स्पेशल पर्पस डायोड है। इसे आपने हर प्लेस पर देखा होगा, हर प्लेस इन द सेंस कि जब भी हमें इंडिकेशन की रिक्वायरमेंट होती है, किसी भी चीज़ को हमें इंडिकेट करना हो तो हमें LED, हम उसके लिए LED प्रीफर करते हैं। मोस्ट ऑफ केसेस में LED ही प्रीफर करते हैं। जस्ट लाइक किसी भी किट को ऑन करना है, ठीक है, आप प्रैक्टिकल में बहुत से किट ऑन करते हैं, जब आप स्विच ऑन करते हैं तो वहाँ एक लाइट ग्लो हो जाती है, दैट इज LED। आप सभी ने वेरियस टाइप के रिमोट्स जो हैं वो क्या होंगे, ऑपरेट किए होंगे। उन सभी रिमोट्स में एक आगे एक LED लगी होती है, दैट इज इंफ्रारेड LED। सेम एज आपके घरों में आजकल जो बल्ब या फिर हम कहें लाइट्स यूज हो रही हैं, दैट इज ऑल्सो LED। एज वेल एज आजकल LED TV और LED मॉनिटर्स एंड LED स्क्रीन का चलन भी बहुत ज़्यादा हो चुका है, दैट इज मच बेटर एज कम्पेयर टू द बट दैट फिनोमिना, वो जो फिनोमिना है वो अलग हो सकता है। अभी हम जो बात करेंगे दैट इज ओनली सिंपल सा लाइट इमिटिंग डायोड की बात करेंगे। लाइट इमिटिंग डायोड को हम LED भी कहा जाता है, इसे LED लाइट इमिटिंग डायोड, क्लियर है। अब लाइट इमिटिंग डायोड और एक नॉर्मल डायोड में क्या डिफरेंस होगा? एक नॉर्मल डायोड, हमें पता है कि जब नॉर्मल डायोड में क्या होता है, जब हम उसे फॉरवर्ड बायस करते हैं, जब एक नॉर्मल डायोड को फॉरवर्ड बायस किया जाता है तो ऐसी सिचुएशन में उसके एन टाइप के इलेक्ट्रॉन और पी टाइप के होल जंक्शन पर जाकर क्या होते हैं, डिफ्यूज होते हैं। पर हमें पता है कि एन टाइप के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो तो किस में होते हैं, कंडक्शन बैंड में, और पी टाइप में जो होल्स हैं वो किस में है, वैलेंसी बैंड में। जब ये जंक्शन की तरफ मूव करेंगे और मूव करके डिफ्यूज होंगे, दैट मीन्स कि इन चार्ज कैरियर पर एक एक्सटर्नल फोर्स के कारण क्या है, ये दोनों डिफ्यूज हो रहे हैं। अब एक्सटर्नल फोर्स के कारण कंडक्शन बैंड का इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी लॉस करके कहाँ आएगा, वैलेंसी बैंड में, और रिकम्बाइन होगा, क्लियर है। अब जब ये रिकम्बाइन होता है तो ये क्या कर रहा है, अपनी एनर्जी इमिट करता है, उत्सर्जित करता है। जनरल PN जंक्शन डायोड जो होते हैं, जो कि सिलिकॉन या जर्मेनियम से बने होते हैं, ये अपनी एनर्जी जब इमिट करते हैं तो ये अपनी एनर्जी हीट के फॉर्म में इमिट करते हैं, यानी सिंपल सा उष्मीय ऊर्जा के रूप में क्या करेंगे, ये अपनी एनर्जी को इमिट करते हैं, जिसके कारण ये क्या करने लगते हैं, हीटेड, गर्म होने लगते हैं। पर एक LED जो है, जो LED है, ये जब भी, इसमें जब भी पी टाइप का होल और एन टाइप का इलेक्ट्रॉन जब आपस में डिफ्यूज होंगे तो ऐसे सिचुएशन में ये जो है ये लाइट इमिट करता है। मीन्स कि हम LED को बनाने के लिए नॉर्मल सिलिकॉन या जर्मेनियम का यूज़ नहीं कर सकते, बिकॉज ऑफ जब ये सिलिकॉन या जर्मेनियम रिकम्बाइन होते हैं तो इनके रिकम्बाइन होने पर जो एनर्जी इमिट होती है, ऊर्जा उत्सर्जित होती है, वो ऊर्जा क्या होती है, तापीय ऊर्जा, उष्मीय ऊर्जा होती है, ठीक है, दैट इज हीट। पर हम LED के लिए हमें रिक्वायरमेंट क्या है कि ये क्या है, ऐसे डायोड हैं जो क्या करते हैं, लाइट के फॉर्म में अपनी एनर्जी इमिट करते हैं। तो जनरली हम सिलिकॉन या जर्मेनियम इसके लिए यूज़ नहीं कर सकते। तो सिंपल सा केस, आई होप आप सभी को क्लियर होगा कि एक नॉर्मल डायोड और LED में क्या डिफरेंस है। LED मीन्स लाइट इमिटिंग डायोड। लाइट इमिटिंग डायोड मतलब कि जब भी LED में क्या होगा, रिकॉम्बिनेशन होगा, तो चार्ज कैरियर अपनी एनर्जी को इमिट करते हैं। चार्ज कैरियर क्या करेंगे, एनर्जी इमिट करेंगे। ये एनर्जी जो होती है, ये एनर्जी लाइट के फॉर्म में होती है। ये एनर्जी क्या है, लाइट के फॉर्म में है। अब ये जो लाइट है, ये विजिबल रेंज में भी हो सकती है और इनविजिबल रेंज में भी हो सकती है। दैट मीन्स कि ये आपको दिख भी सकती है और नहीं भी दिख सकती है। जस्ट लाइक आपके रिमोट में जो आगे LED लगी होती है, दैट इज़ इंफ्रारेड LED। अगर आपको उसे ग्लो होता हुआ देखना है तो आप अपने मोबाइल के कैमरे को उसके आगे रखिए, देन उसके किसी भी बटन को, ठीक है, किसी भी स्विच को प्रेस करिए। जैसे ही आप प्रेस करेंगे तो वो LED आपको ग्लो होती हुई दिखेगी।
पर जब आप नॉर्मल वे में उसे देखते हैं तब उस सिचुएशन में वो एलईडी आपको ग्लो होती हुई नहीं मिलेगी, पर एक्चुअली वो क्या है, वो वर्क कर रही होती है. सो जो एक नॉर्मल एलईडी जो होगी, उस एलईडी में क्या होगा, इसमें भी नंबर ऑफ होल्स होते हैं, ठीक है. पी साइड पर नंबर ऑफ होल्स होंगे, एन साइड पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे. अब जब इसे क्या किया जाता है, फॉरवर्ड बायस. दैट मीन्स कि एलईडी को हम सिर्फ फॉरवर्ड बायस में ही यूज कर सकते हैं, ठीक है. तो जब इस एलईडी को क्या करते हैं, हम फॉरवर्ड बायस करते हैं, तो फॉरवर्ड बायस की कंडीशन में हमने इस एलईडी पर क्या लगा दिया, एक बैटरी VBB लगा दी, ठीक है. इस बैटरी के पॉजिटिव से यहाँ पॉजिटिव फील्ड और नेगेटिव से यहाँ नेगेटिव फील्ड जनरेट होगी, जिसके कारण ये चार्ज कैरियर जंक्शन पर जाकर क्या होंगे, डिफ्यूज होंगे. जब ये चार्ज कैरियर जंक्शन पर जाकर डिफ्यूज होते हैं तो इनके डिफ्यूजन के कारण ये चार्ज कैरियर अपनी एनर्जी लाइट के फॉर्म में इमिट करते हैं. अब लाइट के फॉर्म में इमिट करने के लिए, इसके लिए जंक्शन पर एक छोटा सा विंडो प्रोवाइड कर दिया जाता है. इस विंडो से ही क्या होती है, लाइट इमिट होती है बाहर. सो जनरली एक पीएन जंक्शन, और वी कैन से दैट एक एलईडी पीएन जंक्शन में, एलईडी में लाइट इमिटिंग डायोड में जनरली जो लिमिटेड लाइट होगी, उत्सर्जित प्रकाश होगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फ्लो होने वाले करंट के, फॉरवर्ड करंट के. क्लियर. यानी किसी भी एलईडी में जो लाइट इमिट होगी, वो लाइट उस पर अप्लाई किए गए वोल्टेज के कारण फॉरवर्ड बायस में फ्लो होने वाले करंट पे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. आई होप आप सभी को ये चीज़ें क्लियर होंगी. अब एलईडी जो है, इस एलईडी का हम निम्न प्रतीक चिन्ह के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं. मतलब एक एलईडी अगर आपके पास है तो उस एलईडी को सिम्बॉलिक वे में आप इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. That is anode and cathode. ठीक है. यहाँ पर ये क्या है, एक सिंपल पीएन जंक्शन है, पर इस पीएन जंक्शन पर ये दोनों एरो क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये एरो रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि ये एलईडी जो है वो लाइट को क्या कर रही है, इमिट कर रही है. सो इट इज़ अ सिंबल ऑफ एलईडी. अब किसी एलईडी को आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि उसका एनोड कौन सा है और कैथोड कौन सा है, ठीक है. तो किसी एलईडी को आइडेंटिफाई करने के लिए जनरली हम क्या करते हैं, इस पर पूरे जंक्शन को, इस पीएन जंक्शन को किस में कवर कर देते हैं, एक केस में. ये जो केस होता है, ये ट्रांसपेरेंट भी हो सकता है, मतलब पारदर्शी भी हो सकता है, और नॉन ट्रांसपेरेंट भी हो सकता है, मतलब सेमी ट्रांसपेरेंट, और वी कैन से दैट अर्ध पारदर्शी, ठीक है, वो होता है. अब ऐसे सिचुएशन में इसमें जंक्शन आइडेंटिफाई करेंगे और टर्मिनल कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, बिकॉज ऑफ अगर आप इसे रिवर्स बायस करते हैं तो ये वर्क नहीं करेगा. तो सबसे पहले कुछ केसेस में एलईडी जो है उसके बिगर टर्मिनल को हम एनोड कहते हैं, और स्मॉलर टर्मिनल जो होता है उसे कहते हैं कैथोड, ठीक है. अगर आपके पास कुछ इस तरह की एलईडी आपको मार्केट में मिली है, ठीक है, इस एलईडी में एक टर्मिनल बड़ा होगा और एक टर्मिनल छोटा होगा. इसके बड़े टर्मिनल को हम कहते हैं एनोड और छोटे को क्या कहेंगे हम, कैथोड. सेम इज, अब ये एलईडी तो क्या है, पूरे सर्कल फॉर्म में होती है. समटाइम बहुत से एलईडीज में क्या होगा, आपका जो एनोड वाला पोर्शन होता है, ठीक है, एनोड वाला पोर्शन होता है वो थोड़ा सा फ्लैट होता है. अगर हम एलईडी को कैसे देखें, यहाँ सामने रख कर देखें, जब आप इसे मूव करेंगे अपने हाथ उंगलियों को, तो वहाँ पर आपको हल्का सा फ्लैट पोर्शन मिलेगा. दैट इज़ द फ्लैट पोर्शन. ये उसके क्या हो गए, दो टर्मिनल हो गए, ठीक है. तो जिस साइड फ्लैट पोर्शन मिल रहा है वो टर्मिनल क्या कहलाएगा, कैथोड. तो ये कैथोड हो जाएगा और ये एनोड. सेम इज, बहुत सी बार कैथोड पर जो आपके टर्मिनल हैं वो टर्मिनल बिल्कुल सिंपल वायर के प्लेस पर जो कैथोड टर्मिनल होता है उस पर हल्के से एक स्ट्रिप बना दी जाती है. मतलब कि आपका अगर कोई एलईडी इस तरह का है, आप इस तरह का एक एलईडी लेकर आए, ठीक है, इस एलईडी में दो टर्मिनल हैं, तो जो कैथोड टर्मिनल होगा वो यहाँ पर हल्का सा एक स्ट्रिप होगा उस पर, ठीक है, जिससे आप इजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये क्या है, दैट इज अ कैथोड, ठीक है, दिस एनोड. एज वेल एज इनसाइड, अगर ये है, अगर आप इस तरह देख लेते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, दैट इज मच बेटर. पर अगर आप
अगर आपके दोनों टर्मिनल, ऐसा कुछ भी नहीं है, दोनों टर्मिनल भी इक्वल है और आपको फ्लैट भी नहीं समझ आ रहा, तो ऐसी सिचुएशन में जब आप एलईडी के इनसाइड देखेंगे, ठीक है, एलईडी के इनसाइड देखेंगे तो आपको कुछ इस तरह का एरिया शो होता है। ठीक है, कुछ इस तरह का एरिया आपको दिखाई देगा। ये जो एरिया है, इसमें ये जो बिगर एरिया होता है एलईडी का, इनसाइड आप देखेंगे और जिस टर्मिनल के अंदर एरिया ज़्यादा है वो टर्मिनल हमेशा होगा कैथोड, और जो टर्मिनल, जिस टर्मिनल पर क्या है एरिया बहुत कम है, वो टर्मिनल कहलाता है एनोड। और इन दोनों के जंक्शन पॉइंट पर होती है एक विंडो, जिससे क्या हो, जिससे कि लाइट इमिट होती है। आई होप आप सभी एलईडी के टर्मिनल को इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नाउ अब एलईडी जो है, हमने कहा एलईडी क्या करती है, लाइट इमिट करती है। तो यहाँ पर एक जनरल नॉर्मल एलईडी जो है वो डिफरेंट डिफरेंट कलर के कलर को इमिट कर सकती है, लाइक रेड, ग्रीन, ऑरेंज, येलो, ब्लू एक्सेट्रा। पर ये जो कलर है, ये कलर उस एलईडी को बनाने में यूज़ किए गए मटेरियल पर डिपेंड करते हैं। जनरली ये कलर्स किस पर डिपेंड कर रहे हैं, ये कलर डिपेंड करते हैं कि उस एलईडी को बनाने के लिए किस टाइप के मटेरियल को यूज़ किया है। तो चलिए अब हम इन मटेरियल्स को देखते हैं। सो डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल टू मेड अ एलईडी इज हियर। जनरली जो गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड, गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड का जब मटेरियल यूज़ किया जाता है, तो ऐसे सिचुएशन में जो कलर रिप्रेजेंट होता है दैट इज़ रेड, समटाइम इट इज़ ऑल्सो येलो। ठीक है, ऐसे गैलियम फॉस्फाइड का जब यूज़ किया जाता है तो इट इज़ ग्रीन, ये ग्रीन कलर क्या करेगा, इमिट करेगा। सम सिचुएशन में ये क्या हो सकता है, रेड भी हो सकता है। सेम एज गैलियम नाइट्रेट जो है, इसका जब हम यूज़ करते हैं तो यह हमें आउटपुट पर ब्लू कलर, ठीक है, एलईडी जो होगी वो ब्लू कलर रिप्रेजेंट इमिट करेगी। नाउ गैलियम आर्सेनाइड जब यूज़ किया जाता है, ठीक है, गैलियम आर्सेनाइड जब यूज़ किया जाता है तो ऐसे सिचुएशन में ये इंफ्रारेड एलईडी होती है। मतलब जब भी हम गैलियम आर्सेनाइड यूज़ करेंगे तो हमें इंफ्रारेड एलईडी मिलेगी, यानी जो आपके रिमोट्स में जो एलईडी है वो किस मटेरियल की है, दैट इज़ गैलियम आर्सेनाइड के। आई होप आप सभी को ये कलर्स क्लियर होंगे। नाउ जब हम इसको प्लॉट करते हैं, ठीक है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक को प्लॉट करते हैं, तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक हमें पता है कि जैसे जैसे हम फॉरवर्ड करंट जितना बढ़ेगा, लाइट उतनी ज़्यादा इन क्या होगी, इमिट होगी। तो सिंपल सा अगर हम इसके प्लॉट की बात करें तो ये प्लॉट भी एक नॉर्मल पीएन जंक्शन के प्लॉट के सामान्य क्या होगा, ड्रॉ होगा। यहाँ हम वोल्टेज अप्लाई करेंगे और यहाँ होगा करंट इन मिली एम्पियर। क्लियर, नाउ डिफरेंट कलर के लिए एलईडी जो है वो डिफरेंट वोल्टेज के अकॉर्डिंग क्या हो सकती है, ग्लो कर सकती है। ठीक है, इस तरह से आपको क्या होंगे, एक डिफरेंट कलर के लिए कलर 1, कलर 2, कलर 3, C1, C2, C3 क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कलर 1, कलर 2, कलर 3। इट मीन्स कि यहाँ पर एक स्पेसिफिक रेंज होती है, रेड कलर, ग्रीन, येलो, सबसे लास्ट जो आपको मिलता है वो रेड मिलता है, और सबसे पहला जो कलर मिल सकता है इट विल बी मे बी ऑरेंज और येलो। क्लियर है, एलईडी के वेरियस एप्लीकेशन है, बहुत से एप्लीकेशन है, हमने स्टार्टिंग में भी बात की है। आप सभी एलईडी के एप्लीकेशन से इजीली हर प्लेस पर एलईडी को नोटिस करते ही होंगे। सो आज की क्लास में इतना ही, थैंक यू।